हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हाल ही में हुई जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस थे, अलग अलग राज्यों में हुई थी यहाँ पे। तो मेनली अगर आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वेस्ट बंगाल में देखिए कि जो भी फिलहाल की जो रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस, वो जीत चुकी है। लेकिन मेन लीडर जो है ममता बनर्जी जी, तो वो एक्चुअली अपने सीट से जो है, जिस सीट से उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, वहां से वो हार चुकी है। तो उसके बाद भी क्या वो चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले सकती है, चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे जो है वो कार्यरत हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 164, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है, आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव जीत चुकी है, और वहां पे जो लीडर है ममता बनर्जी जी, वो नंदीग्राम से, जहां से उन्होंने कांटेस्ट किया था, वहां से हार चुकी है। तो मेनली यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि ममता बनर्जी कहाँ से, कौन से सीट से हारी। ये मेन टॉपिक नहीं है यहाँ पे। मेन टॉपिक इसके इंटरनल जो टेक्निकल चीजें होती है, जो इंडियन पॉलिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेन बात है कि इसके बाद भी जो है ममता बनर्जी जी अभी जो है एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में वो शपथ लेंगी। लेकिन यहाँ पे देखे, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि उन्होंने असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, और अगर वो हार चुके हैं, तो क्या उसके लिए कुछ लीगल प्रोविजंस है या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है? तो डेफिनेटली उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट है मिस्टर सुभाष कश्यप, तो सुभाष कश्यप के हिसाब से यहाँ पे दिए गए हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे मेंशन किया गया। तो उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कि उन्होंने कॉन्टेस्ट किया जो असेंबली इलेक्शंस में, अगर वो हार चुके हैं, तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो होते हैं कि अगर उस स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो यहां से वो व्यक्ति जो है चुन के आ सकते हैं। या फिर विद इन 6 महीने के अंदर अगर उस स्टेट में कुछ भी बाय इलेक्शंस होंगे, तो उस बाय इलेक्शंस में भी कॉन्टेस्ट करके वो व्यक्ति चुने जा सकते हैं। लेकिन दोनों ही यहाँ पे मेन पॉइंट होती क्या है कि विद इन सिक्स मंथ्स उस व्यक्ति जो भी उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर या फिर एज ए मिनिस्टर के रूप में वहां पे शपथ ली है, उनको विद इन 6 मंथ्स के अंदर ये दोनों ही जो उनके पास ऑप्शंस है, किसी एक से भी उनको जो है क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो मेनली हम यहाँ पे आर्टिकल 164 के बारे में बात करेंगे। तो 164 आर्टिकल में मेनली देखें कि 5 क्लॉजेस है। पहला क्लॉजेस जो है यहाँ पे, पहला जो है चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन किया जाता है। दूसरा क्लॉज जो है यहाँ पे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड जो करते हैं चीफ मिनिस्टर, उनके जो यहाँ पे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में होती है यहाँ पे। तीसरा जो पॉइंट होता है कि यहाँ पे कोई भी जो चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको शपथ दिया जाता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा, और ये मेंशन है 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो है ओथ्स एंड अफर्मेशन के बारे में मेंशन किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि किसी भी स्टेट से, यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर असेंबली इलेक्शन हार चुके हैं और वो मिनिस्टर बने हैं, तो उनको जो है अगर 6 महीने के अंदर वो फिर से क्वालिफाई नहीं किया उन्होंने, तो उनकी जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है वो बंद हो जाएगी, यानी कि उनको रिजाइन करना पड़ेगा उस पोस्ट से। और पांचवा जो पॉइंट है, सैलरीज और अलाउंसेस जो मिनिस्टर्स के होते हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो डिसाइड किया जाता है उसके हिसाब से होती है। तो अगर हम लोग कुछ पास्ट इंस्टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखिए 2017 में भी जब योगी आदित्यनाथ जी, जो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, वो जब असेंबली इलेक्शंस एक्चुअली, वो जो उन्होंने अभी जो CM है, तो उन्होंने असेंबली इलेक्शंस जो है वहां पे, वो असेंबली इलेक्शन से MLA नहीं चुन के आए थे, तो वो जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से वो चुन के आए विद इन 6 मंथ्स।
एक और इंस्टेंस है 2019 में, जब सॉरी 2009 में, जब झारखंड के चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन, तो उन्होंने पहले तो क्या हुआ कि वो असेंबली इलेक्शंस में हार गए थे, और उसके बाद जो है बाई इलेक्शंस हुई थी विद इन 6 मंथ्स, उसमें भी वो हार गए, तो उनको वहां से रिजाइन करना पड़ा। 1970 में अगर देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर त्रिभुवन नारायण सिंह, वो भी जो है बाई इलेक्शंस में हार गए थे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको देखेंगे जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी तो जीत चुकी थी वो स्टेट के जो असेंबली इलेक्शंस में, लेकिन वहां पे जो लीडर्स थे, जो मेन फोकल पॉइंट थे कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अनएक्सपेक्टेडली वो भी हार गए थे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ऑलरेडी जैसे कि डिस्कस किया कि 6 स्टेट्स में आउट ऑफ 28 स्टेट्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखिए कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ रखा गया है कि 40, यानी 40 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसका जो स्ट्रेंथ जो है ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है यहाँ पे। और एक चीज देखिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी एक्चुअली मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स की जो एक्चुअली लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डायरेक्ट जो इलेक्शंस होती है, इलेक्शंस के थ्रू जो मेंबर्स ऑफ एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे चुन के आते हैं डायरेक्ट पीपल के वोटिंग के द्वारा, लेकिन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी में जो भी चुनाव, एक्चुअली चुनाव नहीं होते, उनको इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली 5:6, यानी कि 6 में से 5 लोगों को जो है ये इनडायरेक्टली चुना जाता है, और 1/6 लोगों को जो है गवर्नर चुनते हैं, उस स्टेट के जो गवर्नर, उनके द्वारा चुना जाता है, जो भी व्यक्ति के वहां पे स्पेशल नॉलेज हो, जैसे कि अगर लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, या फिर सोशल सर्विस के द्वारा, तो उनको जो है गवर्नर वहां पे चुन सकते हैं। तो एक चीज देखिए कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर अभी सपोज मान लीजिए कि एक स्टेट सपोज महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी अगर ऐसे ही केसेस में हुई, तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है और वहां पे जो असेंबली इलेक्शन में अगर कोई व्यक्ति हार चुके, फिर भी वो जो है चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि उनको उस टाइम जो है 2 ऑप्शंस उनके पास रहेंगे, एक तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली से, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल से उनको जो है क्वालिफाई करके आना पड़ेगा, नहीं तो बाय इलेक्शंस अगर विद इन 6 मंथ्स हुई वहां पे उनको क्वालिफाई करके आना पड़ेगा। तो मेन यहाँ पे 2 रीजंस है, अभी बिकॉज वेस्ट बंगाल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद नहीं है, तो वेस्ट बंगाल में डेफिनेटली ममता बनर्जी जी को अभी जो बाय इलेक्शंस होंगे, तो बाय इलेक्शंस में ही अगर वहां पे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, तो वहां से उनको जीत के आना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। अगर विद इन 6 मंथ्स उन्होंने वहां से कॉन्टेस्ट करके क्वालिफाई नहीं कर किया, तो डेफिनेटली उनकी जो चीएम की, जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हट जाएगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो चीफ मिनिस्टर अभी बनने वाली है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी जी, उसके बारे में। तो मेनली यहाँ पे फोकस हम लोगों ने आर्टिकल 164 में किया। तो देखिए यहाँ पे मेन टॉपिक जो है, यहाँ पे आप पॉलिटिकल पार्टीज की सेंटिमेंटल रिव्यूज में आके कुछ भी ऐसा मत पढ़िए कि कौन सी पार्टी को कितनी वोट मिला है, उसकी इंटरनल चीजें जो इंडियन पॉलिटी के हिसाब से डिस्कस किया जाता है, तो उस पे ज्यादा इंपोर्टेंस दीजिएगा कि किसी भी एंगल से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।